to the channel, everyone. I hope all of you guys are doing extremely well. Welcome back to another brand new travel episode. आज के वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ डुअर्स के एक और नए रिसोर्ट के खोज में. So let's get started the video. Right now I am in Lataguri और ये है हमारा आज का रिसोर्ट, which is the Firefly Resort near Gorumara National Park. So चलिए, without getting any further ado, let's get started. So now we are at the restaurant और अभी हम लोग लंच करेंगे. लंच के बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी पूरा रिसोर्ट घुमा के कि कैसा है यहाँ का इंटायर रिसोर्ट व्यू और सब कुछ, रूम्स वगैरह. सो चलिए अभी लंच करते हैं और देखते हैं आज लंच में हमारे लिए क्या क्या है. So now we are going to our room. तो चलिए मेरे साथ ऊपर. और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और इसीलिए मैंने फर्स्ट फ्लोर में रूम लिया है ताकि हमको ऊपर उठने, सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो. तो चलिए मेरे साथ आइए. We are five people, so हमने दो रूम लिया है. They have two type of rooms, तो हमने दो रूम टाइप ही हमने ले लिया है. तो चलिए फर्स्ट रूम टाइप आपको दिखाते हैं. So ये है डबल बेडेड रूम, जिसका टैरिफ है 3500 ब्रेकफास्ट. नीट एंड क्लीन कोजी रूम है. And this is the balcony. Washroom देख लेते हैं एक बार. और ये है another type of room which is 102. और ये है ट्रिपल बेडरूम. लेट्स कम इनसाइड. दिस ट्रिपल बेडरूम इज वेरी स्पेसियस. जो हमने डबल बेडरूम देखा था उससे काफी बड़ा है इन साइज. और यहाँ पे दो दो बेड्स लगे हुए हैं, लाइक 2+1. यहाँ पे एक मिनी फ्रिज, एक मिनी बार भी है. एंड दिस इज द केसमेंट बालकनी. चलिए देखते हैं. वाओ. So this is the view from the room. तो नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द आउटर एयर, मतलब बाहर का जो प्रॉपर्टी एरिया है उसको हम लोग घूम के देखेंगे और उसके बाद हम लोग उतरेंगे स्विमिंग पूल में. बहुत गर्मी है, बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं आज. तो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे टू और आज हमारा चेकआउट है और उनके साथ एज यूजुअल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी है. तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू द रेस्टोरेंट. चलिए चलते हैं, देखते हैं कि रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आज क्या क्या है. सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग.
बिफोर आई एंड दिस वीडियो, कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने दो रूम्स लिए थे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है. तो प्राइसेस वेयर 4,500 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट. और एक डबल बेडेड जो रूम हमने लिया था उसका भी प्राइस था 3,500 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट, जिसका टोटल आ रहा है 8,000. बट मैनेजर से हम लोगों ने बात किया, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट की, और आफ्टर दैट उन्होंने हमको वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया. दोनों रूम मिला के हमको देना पड़ा 6,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ब्रेकफास्ट. तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला, 2,000 रुपीज़ वर्थ डिस्काउंट हमको मिला. तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग भी आके उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छे से डिस्काउंट मिल जाए. ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. और स्टाफ बिहेवियर सबके बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग मैनेजर और जो भी स्टाफ वगैरह है, फ्रॉम हाउसकीपिंग टू रेस्टोरेंट, सबके बिहेवियर बहुत बहुत अच्छे हैं. जो भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जैसे भी हम लोगों ने चाहा, दे ट्राइड टू प्रोवाइड अस. और खाने पीने का मैं अगर बोलूँ, टेस्ट की बात करूँ, तो बहुत फ्रेशली कुक्ड खाना हमको इन दो दिनों में मिला है. इन लंच हमने प्योर बंगाली फूड ऑर्डर किया था. जैसे हमने मंगवाया, जैसे हमने बोला, बिल्कुल वैसे ही सर्व किया हमको. ब्रेकफास्ट में हमारे लिए दो तीन ऑप्शंस थे, एक ब्रेड बटर्स एंड जैम ब्रेड, एक बॉयल, एक पोच, ये सब था. और उसके साथ पूरी सब्जी, ये सब था. तो जो भी आप मंगवाना चाहते हो, यू कैन डू इट. रूम सर्विस अगर आप मंगवाना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है. स्विमिंग पूल की अगर मैं बात करूँ, तो स्विमिंग पूल थोड़ा छोटा लगा मुझे इन कंपैरिजन टू JMD रिसॉर्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिसॉर्ट है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है और लिंक मैं दे रही हूँ, आप जाके देख लेना. लेकिन यू कैन इन्जॉय, अगर आपका हाइट शॉर्ट है तो यू कैन इन्जॉय, बट थोड़ा डीप और थोड़ा लंबा होने से और बेहतर होता ये चीज़. ये एक चीज़ मुझे लगा कि इट कैन बी बेटर. रूम्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी वेल डेकोरेटेड, नीट एंड क्लीन रूम्स है. सारे रूम्स में अच्छे तरीके से फर्निश्ड किया हुआ है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. हर रूम से व्यूज़ अलग अलग मिलेंगे आपको, पीछे आपको पूरा जंगल दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी, सब कुछ बहुत अच्छा है. प्रॉपर्टी एरिया अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी एरिया है. लॉन्स है उसमें, जो झूला भी है, बैठने का जगह भी है, सब कुछ है. लेकिन थोड़ा एरिया वाइज इट्स लिटिल बिट स्मॉलर देन अदर्स रिसॉर्ट इन डूअर्स. ये था फायरफ्लाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड रिव्यू. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने अपने तरीके से मेरी एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. So that's it for today's video. If you guys like this video, please don't forget to like, comment and share to this video to your friends and family. आपको इस होटल का एक छोटा सा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और ऐसे ही नए नए रिसॉर्ट के रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थर्स्टी रमानी. मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में नए कैसे रिसॉर्ट रिव्यू के साथ. तब तक के लिए सब कोई अच्छे रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग थर्स्टी रमानी ब्लॉग्स. बाय बाय. It don't matter where we go.